अरे बहन रोजी ना, वो जो तुमने बड़े घर का मुझे रिश्ता दिखाया था ना, मुझे तो बहुत पसंद आया। बस अब तुम कोशिश करना कि ये रिश्ता हाथ से ना निकले। अरे मैंने तो तुम्हें बहुत रिश्ते दिखाए, पर तुम्हें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। शुक्र है तुम्हें ये पसंद तो आया। अच्छा ये बताओ कि अब कब चले हम बात पक्की करने? अरे भाई हथेली पे सरसों ना जमाओ, पहले मुझे लड़की वालों से पूछ तो लेने दो उन्हें रजा समझ में आया कि नहीं। क्योंकि भाई साफ बात है, उनके और तुम्हारे रहन सहन में बहुत फर्क है। बड़े घर की लड़की है सवेरा। भाई मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें ना मेरी और रजा की उनके सामने बहुत तारीफें करनी है, बस ये रिश्ता हाथ से ना निकले। बेफिक्र रहो, मैं रजा की बहुत तारीफ कर चुकी हूँ, इंशाल्लाह इनकार नहीं होगा। अच्छा ये बताओ मुझे क्या दोगी? आए तुम सुनोगी ना तो तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। पता है क्या दूंगी? सोने की बालियां। आए आए बस तो रिश्ता पक्का समझो। अस्सलाम वालेकुम खाला। इसके बारे में क्या सोचा तुमने? यतीम भतीजी है, इसका भी तो रिश्ता करना है ना। अरे पहले मेरी रजा की तो होने दो। और वैसे भी तुम जानती हो ना कि इसके माँ बाप के इंतकाल के बाद मैंने ही इसे पाला है, कर दूंगी इसके भी। मेरी मानो तो इसी बच्ची को अपने घर ले आओ, घर की घर में ही हो जाएगी, सारा घर संभाल रखा है इसने। देखो रोजीना अब ऐसी बात भी नहीं है, तुम तो बेफजूल की बातें कर रही हो। अरे मेरा एक ही बेटा है, मेरे दिल में भी अरमान है। अरे नाराज क्यों होती हो, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। अच्छा आपके आऊंगी तो खुशखबरी लेकर आऊंगी। हाँ हाँ बस मुझे ना रिश्ता पक्का चाहिए, मैं इनकार नहीं सुनूंगी। सुन लो तुम बस। हाँ भाई जब से रोजीना का फोन आया है बस मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से सुबह हो और हम लोग जाएं लड़की को देखने के लिए। हाँ मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है। चाय? अरे ये काम तो तुमने बहुत अच्छा किया कि चाय ले आई सबके लिए। बैठो। किचन समेट दिया तुमने? जी पप्पो समेट दिया। अच्छा ऐसा करो कि वो जो खाना बचा हुआ है ना वो फ्रिज में रखो। देख रही हो कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है, ऐसा ना हो कि खराब हो जाए, कल दोपहर में वही काम आ जाएगा। मुझे पता था आप ऐसा ही कहेंगी, इसलिए मैंने रख दिया है। वो नताशा बाजी आपने मेरे कॉलेज का यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया? हाँ कब का। थैंक यू। अच्छा हाँ वो तुम्हें खुशखबरी देनी थी, वो रोजीना की कॉल आई थी, लड़की वालों ने हाँ कर दी है। तुम्हारे भाई रजा के लिए हम लड़की देखने जा रहे हैं कल। ये तो बहुत बड़ी खबर है पप्पो, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक। अम्मी नताशा बाजी भी हमारे साथ चलेंगी ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी चलना, जरूर चलना। अच्छा ठीक है मैं भी साथ चलूंगी। अरे भाई तुम भला कैसे जा सकती हो, मैं अकेला घर नहीं छोड़ सकती। तुम ऐसा करना कि दोपहर को ना कोई सब्जी वगैरह बना लेना अपने लिए, भाई हमारा खाना तो सवेरा के घर में है। अगर घर का मसला नहीं होता ना तो मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाती। जी पप्पो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मेरा वहाँ पर क्या काम भला, वैसे भी ये तो बड़ों के मामलात होते हैं। पर अम्मा मैं भी तो जा रही हूँ ना। तो चुप ही कर जा, बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं। और हाँ अगर वो शाजिया आ जाए ना तो उसे नहीं बताना कि हम कहाँ गए, ये कहना कि अपनी बहन के घर गई हैं। बड़ी मीसनी है वो, हर वक्त रजा की रिश्ते की टो में रहती है। वैसे पप्पो जब आप घर पर नहीं होती ना तो वो आती भी नहीं है। उसका कोई भरोसा नहीं है, जब दिल चाह टपक जाती है वो, बस तुमसे जो कहा है ना वो ही करना तुम बस। जी ठीक है। मैं जरा किचन में देख लूं। हाँ हाँ जाओ। रह नहीं गया। तुझे बड़ी लगी हुई है साथ चलना हमारे, बढ़िया ही। जल्दी आजा जल्दी आजा। तौबा है अम्मा ऐसा भी क्या डरना, हम भाई का रिश्ता लेकर जा रहे हैं कोई चोरी करने नहीं।
तू अभी बच्ची है, तुझे नहीं पता कितनी खतरनाक औरत है वो। अगर उसे पता चल गया ना तो पूरे महल्ले में हमें बदनाम कर देगी। अभी तेरा रिश्ता भी करना है। अरे कहाँ की तैयारी है, है खैर तो है। ओ हो, मिठाई का डब्बा, रजा के लिए रिश्ता लेके जा रही हो क्या? अरे भाई कौन लोग है, लड़की कैसी है, मुझे कुछ बताया नहीं, इतना गैर कर दिया है। रिश्ता कैसा रिश्ता, कौन सा रिश्ता? अरे भाई अभी तो हमें बुलाया है, ऐसे हम जा रहे हैं देखने के लिए, क्या पता कौन है क्या लोग हैं। अरे ये तुम्हें रिश्ता रोजीना ने तो नहीं बताया? अच्छा अब मैं चलती हूँ, बुला रहा है बेटा। तो बता देना देखो जो भी हो। हाँ हाँ जैसा भी होगा बता देंगे। अरे भाई अभी अपने पड़ोसी हो, फिकर ना करो मैं बता दूंगी। अरे भाई हम पड़ोसी हैं तुम्हारे। हाँ हाँ मुझे पता है भाई, सब पता है मुझे। चलो सुनो मुझे भी आके बता के सही तफसील बताना मुझे। हाँ बता देंगे भाई, जाने तो दो, खुदा हाफिज। बताना कुछ। हाँ चलो खुदा हाफिज। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं रोजीना को बुलाती हूँ, उसी से सारी बातों को पता चलेगा। अरे क्या हुआ, इतनी जल्दी में मुझे क्यों बुलाया? अरे क्या ऐसे मुंह लटकाए बैठी रहोगी या कुछ कहोगी भी? क्या बताऊं तुम्हें, रजा का रिश्ता तुमने इतनी अच्छी जगह करवा दिया, अली की तुमने परवाह ही नहीं करी। हाँ तो अली के लिए कोई लड़कियों की कमी है? तुम अभी कहो मैं भी दिखा देती हूँ दो चार घर। वैसे सुना है तुमने जो रिश्ता करवाया है बहुत अमीर लोग हैं वो। हाँ भाई सही सुना है तुमने, इकलौती बेटी है उनकी, सवेरा नाम है लड़की का, तीन भाइयों की इकलौती बहन है, MBA किया है 2 साल पहले। फिर तो यकीनन उम्र में ज्यादा होगी वो। अरे नहीं नहीं 25 साल की है, वो तो तस्वीरों में बड़ी लग रही है। बस रहने दो, ये लड़की वाले ना 35 साल लड़की को ना 20 साल की लड़की बना के सामने खड़ा कर देते हैं। वैसे कोई बात तो है जो अदीला के घर में वो अकलौती लड़की ब्याह के आ रही है? अरे नहीं शादिया, रुपए पैसे की उन्हें कमी नहीं, बस उनकी डिमांड थी कि कोई शरीफ लोग हों और रजा उन्हें हर लिहाज से पसंद है। अरे बस रहने दो, मेरा तो हर रोज का आना जाना है, कानो कान खबर ना होने दी इस औरत ने, जबकि मैं पागल थी जो हर बात जा जा के उसको बताती थी। अरे आजकल का जमाना ऐसा ही है, इधर बंदे का काम निकला, तू कौन और मैं कौन। तुम कहो तो मैं अली के लिए लड़की दिखाऊं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं मेरे पास। नहीं 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 अभी जरूरत नहीं है, बोलूंगी जब दिखा देना। चलो ठीक है। और कितने सूट देंगी, सारे सूट आप सवेरा भाभी को दे रही हैं। बेवकूफों वाली बातें मत करो महरीन, अरे हमें तो सवेरा के घर वालों के सामने अपना इम्प्रेशन जमाना है। पता नहीं तुम्हें कितना ढेर सारा जहेज लेकर आ रही है वो, हमें भी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। सोच ले इस इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में ना हम खाली होते जा रहे हैं, सारे जेवर आपने सवेरा भाभी को दे दिए। ओहो खुदा ना करे, तुम देखना तुम्हें इससे ज्यादा भाई बाबा से दिलवाऊंगी। शमी रात में खाने के लिए क्या पकाऊं? अम्मी नताशा बाजी के लिए भी तो सूट बनाने ना, ऐसा करें इन्हीं में से कोई देख ले। नहीं मैरीन, मेरे पास तो वैसे ही बहुत सूट है, मैं उसमें से कोई पहन लूंगी। देखा कितनी समझदार है ये शुरू से ही साबिर और कहना मानने वाली है, तुम्हारी तरह नहीं कि एक जोड़े के बजाय 10-10 जोड़े बनवा लेती है। ऐसा करो नताशा आलू गोश्त का सालन बना लो। ठीक है पप्पू मैं बना लेती हूँ। ये तुम दोनों बहन भाई ना बात बात पे हमदर्दियां मत जताया करो। पर अम्मी। अरे छोड़ पर अम्मी। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मैंने रजा का जहन दूसरी तरफ लगा दिया और मैं कामयाब भी हो गई, वरना वो तो इसी की तरफ पड़ा हुआ था। अरे कहाँ सवेरा और कहाँ नताशा, इनका क्या मुकाबला। तुम अंदर आओ ना, ये चलाइए मिठाई है। अरे वाह जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, क्या लेकर आई हो? मिठाई है, वो रजा भाई की बरी जा रही है ना तो फूफो ने मिठाई भेजी है। मैंने तुम्हें प्लम्बर लाने के लिए कहा था, किचन के दोनों नल टपक रहे हैं और तुम यहाँ बातों में लगन हो। प्लम्बर काफी देर का आ चुका है अम्मी। अच्छा आंटी मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। मैं
हाफिज। क्यों तुम भी ना? बस नताशा की इंसल्ट करके आपको क्या मिलता है अम्मी? वो गरीब अभी अभी तो आई थी। तुम जो चाह रहे हो ना नामुमकिन है। अरे गजब खुदा का, लोग आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं और तुम इस फटीचे लड़की को मेरे पीछे लगा रहे हो ताकि पूरा खानदान मुझ पे हंसे। अम्मी मुझे किसी से कोई सरोकार नहीं है कि कौन क्या सोचता है। नताशा से शादी करने का फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। ये सब ना अदीला की चाल है। अपनी बेटी की शादी तो उसने अमीर घराने में कर दी और अपनी यतीर यसीम भांजी मेरे पीछे लगा दी। मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे तुम? आला दिखाओ क्या है ये। बासौकात इंसानी रवैये किस कदर अजीब हो जाते हैं। इखलाक की तमाम कदरों से गिरकर जुल्म की हद पार कर जाते हैं। और ये दिल भी क्या ढीठ शहर है। हजारों महरूमियां झेल कर भी उसकी हसासियत में कोई कमी वाकई नहीं होती। एक जरा सी ठेस, बस जरा सी ठेस लगी और सारे सोए हुए जख्म जाग उठे। सुनो नताशा, कैसी हो? मैं बस उस दिन अम्मी के रवैये की वजह से सॉरी कहना चाहता था तुमसे, लेकिन तुमसे मुलाकात ही ना हो सकी। अम्मी प्लीज, मेरा ऐसे रास्ता मत रोका करें। उस दिन भी आपकी अम्मी पता नहीं क्या समझ बैठी। कौन क्या सोचता है नताशा, मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, चाहे वो मेरी माँ क्यों ना हो। लेकिन मुझे परवाह है, चाहे वो आपकी अम्मी हो या कोई भी। आप क्यों उन्हें मेरे मुतालिक उल्टा सीधा इंप्रेशन दे रहे हैं? मेरी बात सुनो, तुम ख्वामा का टेंशन ले रही हो। मेरा फैसला अटल है और वो सबको मानना होगा। एक तरफा फैसलों का कोई जवाब नहीं होता अली। पब्लिक प्लेसेस पे खड़े होकर इश्क को आशिकी की बातें करना ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ और ना मुझे इसकी चाह है। सारे फंक्शन अच्छे थे रजा की शादी के। माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि ये फर्ज भी अदा हो गया। हाँ माशाल्लाह, मैंने जहेज का सामान देखा है, काफी सामान आया है। वैसे बड़े दिल वाले हैं रजा के ससुराल वाले। हाँ भाई, अल्लाह की मेहरबानी है। अरे बरसों का ख्वाब पूरा हुआ है। भाई मैं सोच रही थी कि तुम भी कोई अली के लिए लड़की देख लो ना। हाँ सोच रही हूँ, ये काम भी कर ही डालूं। वैसे सवेरा नजर नहीं आ रही। ओ सवेरा, वो अपने कमरे में है। मैं जब भी आऊं वो अंदर ही मिलती है। अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी तो अपने कमरे में गई है, थोड़ी देर पहले तो मेरे पास ही बैठी हुई थी। जरा ख्याल रखना, आजकल की लड़कियां ना अपने ससुराल वालों को एक हद तक रखती हैं। नहीं नहीं भाई, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है। हाँ चलो ये तो अच्छी बात है। वैसे आजकल तो लड़कियां ना अपने मियां को मुट्ठी में लेने की जतन करती हैं। भाई दुनिया में कुछ भी होता रहे, अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है और सबसे बड़ी बात ये कि मेरा बेटा बड़ा फरमाबरदार है। ऐसे बेटे अल्लाह किसी किसी को देता है। हाँ अच्छी बात है।
सफीरा, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है? और तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, और तुम्हें पता है अम्मी ने ये बात नोट की है। जैसा कि आप सारी जिंदगी हम इस कबाड़ खाने में गुजार देंगे। मेरे पापा ने जो फ्लैट गिफ्ट किया है मुझे, हम वहां शिफ्ट क्यों नहीं हो सकते यार? अच्छा, मैं अम्मी से बात कर लूंगा इस बारे में। अम्मी से बात कर लूंगा? व्हाट डू यू मीन अम्मी से बात कर लूंगा यार? मैं तुम्हारी और अपनी बात कर रही हूँ, तुम्हारे पूरे खानदान को अपने साथ लेकर जाऊंगी। अम्मी से बात कर लूंगा। लेकिन अम्मी, नताशा और महरीन का क्या होगा? मुझे उन्हें भी तो देखना है ना। मेरा ख्याल है इस दुनिया में बहुत सी औरतें हैं जो अकेले जिंदगी गुजार रही हैं, और वो तो फिर तीन हैं, आराम से एडजस्ट कर लेंगी एक साथ। मतलब नहीं, तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं तुम्हारे इस पूरे खानदान को उठाकर अपने साथ लेके जाऊं? तुम्हें पता है मुझे प्राइवेसी चाहिए। अच्छी बात करते हो यार। ठीक है, मुझे तुम थोड़ा वक्त दो, अभी इस बात का फैसला वक्त आने पर ही होगा। देखो भाई, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले लो, लेकिन मैं मजीद जिंदगी इस कबाड़ खाने में नहीं गुजार सकती। तुम अच्छी तरह जानते हो मुझे आदत नहीं है इन सब चीजों की। ओके, फिलहाल तुम अपना मूड ठीक करो, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। वो जो तुम्हारी अम्मी है ना, वो बाहर बैठी हुई होंगी, पकड़ लेंगी हमें फिर से। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कब आओगे? रहने दो, मैं यहीं ठीक हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होगा सवेरा, अभी तुम अपना मूड ठीक करो और एक अच्छी से स्माइल दो, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं। अच्छा ठीक है, चलो। लो, तुम यहाँ बैठी हो, पूरा घर छान मारा और तुम छत पर बैठी हो। खैरियत तो है, तबीयत ठीक है? हाँ, तबीयत तो ठीक है, पर दिल सही नहीं है। ऐसे लड़की माशाल्लाह अच्छी है, घराना भी बहुत ठीक ठाक है। तुम ये बताओ, तुमने जहेज की बात की या नहीं की? अरे कहने की क्या जरूरत है शाजिया, वैसे वो सब कुछ देंगे, आखिर साहिब हैसियत है। जो बात करना चाह रही हूँ ना, पहले करना चाह रही हूँ, बाद में उलझने ताकि पैदा ना हो। देखो तो मेरा एक ही लड़का है, दो तीन बहू तो आएगी नहीं, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुमसे। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं बातों बातों में कह दूंगी। कह ही देना। ये इस वक्त किसके लिए चाय बना रही हो? क्या सवेरा उठी नहीं अभी? नहीं फूफो, भाभी तो उठ गई हैं, मैं भी उनके कमरे से आ रही हूँ नाश्ता देकर, बस चाय देने जा रही थी। क्यों, उसके हाथों में क्या मेहंदी लगी हुई है? अरे पूरे 6 महीने हो गए हैं शादी को, कब तक दुल्हन बनी रहेगी? अरे फूफो, यही तो दिन है उनके। अच्छा अब ये सब छोड़े, ये बताइए कि रात के खाने में क्या पका? तुम्हें कुछ भी नहीं बनाना है, मैं आज ही खीर में इसका हाथ डलवाती हूँ, देखती हूँ कब तक आराम करेगी। लेकिन भाभी को तो खाना पकाना आता ही नहीं है, मुझे खुद बताया था उन्होंने। अरे बड़ी होगी तो अपने घर के लिए होगी वो, अब ये इसका ससुराल है, ससुराल के सारे तौर तरीके उसे अपनाने होंगे। और हाँ, गौर से सुन लो, उसे किचन में अपने साथ लगा के रखना और सारे काम करवाना उससे। लेकिन पप्पो, मुझे तो ये सारे काम करने की आदत है, वो बेचारी तो। अच्छा अच्छा, बस बस, ज्यादा वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, रजा है तो उसे मेरे कमरे में भेजो, समझी? वो बिना बिना मुझे गुस्सा कर रही। अब जरा आगे खुलेंगी अदीला की, बड़ी इतरा इतरा फिर रही थी ना रजा की शादी के बाद। अम्मी, इस तरह आपको जहेज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी, बुरा लगेगा। और वैसे भी सवेरा भाभी के घर वाले ने सब कुछ खुद ही तो दिया था। अरे भाई कोई बुरा नहीं लगेगा, और तुमने क्यों राय देना शुरू कर दी? तुमसे किसने मशवरा मांगा है? अम्मी, अली भाई नहीं मानेंगे, और वैसे भी उनसे पूछे बगैर आपको इतनी बात आगे नहीं बढ़ानी चाहिए थी। ये सारा ना महरीन की सोबत का नतीजा है, उसको ही बड़ा शौक है बीच में बोलने का, तुम भी उसके नक्शे कदम पे चल रही हो। कान खोल के सुन लो तुम दोनों,
मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। तुम दोनों बहन में किसी खुशफहमी मत रहना। नताशा क्या है अली? मेरे सर पे माँ बाप का साया नहीं है, प्लीज मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत बढ़ाओ। मैं तुम्हारी मुश्किलात बढ़ाने नहीं, उनको खत्म करना चाहता हूँ। हमारा बचपन एक ही मोहल्ले में गुजरा, हम सात जवान हैं। मैंने तुम्हें हमेशा अच्छी लड़की और सबर वाला पाया। और ये तो तुम्हारी फुप्पा है ना, पूरे मोहल्ले में अच्छी बनी हुई है कि यतीम भतीजे की किफालत की, उनको सिर्फ बिना पैसों की मासी मिली हुई है। अपने घर का काम करने से कोई मासी नहीं बन जाता अली। मैं जानता हूँ कि तुम कभी अपनी जबान पर शिकवा नहीं लाओगी, लेकिन आखिर कब तक तुम इनकी खिदमतें करती रहोगी? शायद यही मेरा नसीब है। इस नसीब को बदला जा सकता है नताशा। ये मेरी किस्मत है अली, और प्लीज मुझे ख्वाब मत दिखा। बेटा मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारी खुशी के लिए कर रही हूँ। वक्त गुजरने के साथ साथ तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जिंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है और मैं तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा कर रही हूँ। पर अम्मी मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहता। बाबा आप ही कुछ बोलिए। बेटा तुम्हारी माँ खुद को दुनिया की अक्लमंद औरत समझती है, इसने आज तक कभी मुझसे कोई मशवरा ही नहीं लिया। अली तुम मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग मेरे फैसले से खुश नहीं हो तो ठीक है, जो मर्जी चाहे तुम करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, फिर इसके बाद तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। फिर अपनी खुशी में अपने बाबा को और अपनी बहन को बुला लेना, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं होगा, समझे तुम? पर अम्मी वैसे भी तुम्हें कौन सा फर्क पड़ने वाला है? दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे जिनकी माएं नहीं होती उनका काम हो जाता है, तुम्हारा भी हो जाएगा, कर लेना। अरे भाई ये बातें करने के लिए बहुत वक्त है, खाने का वक्त निकला जा रहा है, चलो पहले खाना खाते हैं। दोनों के दोनों एक जैसे हैं। अपने कमरे में, मैंने उनको बुलाया था लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये क्या बचपन है शाजिया का। खैर तुम लोग फिक्र ना करो, मैं उसे समझाऊंगा, खाना खाओ। सुमेरा। जी पापा। बेटा देखो दरवाजे पर कौन है। अरे नताशा आप ही आप आए, अंदर हैं, गेट पे के रुकी। अरे आओ आओ नताशा बेटी आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या लाई हो? मिठाई। गुलाब जामुन। अरे भाई तुम्हारे पड़ोस में रहने से ना हमें एक फायदा तो है, आए दिन मुफ्त की मिठाइयाँ जो खाने को मिलती हैं। अच्छा अंकल मैं चलती हूँ, दरअसल महरीन की बात पक्की हुई है ना, तो उसी की मिठाई है ये। अरे चली जाना बेटा चली जाना। सुमेरा जाओ बेटा ये अंदर रख के आओ, और प्लेटें खाली करके नताशा को वापस ला के दो। आओ बैठो बेटा। और सुनाओ क्या खबर है,
कहाँ रिश्ता पक्का हुआ है? वो सवेरा की फूफो हैं, उन्होंने रिश्ता दिया है महरीन का। लड़का दुबई में बैंक में अच्छी पोस्ट पर है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई, ये तो हो गई रिश्ते की बात। अब हम दोनों बैठ कर अच्छे पड़ोसियों की तरह ना थोड़ी देर बुराई बुराई खेलते हैं। अंकल आप भी ना। ये क्या शोर मचा रखा है आपने? और तुम्हें तमीज नहीं है कि खैर मर्दों के साथ बैठ के हंसी मजाक नहीं करते? शरीफ लड़कियों की सेवा नहीं है ये। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? चुप करो तुम। इस लड़की ने ना मेरे शौहर बेटे दोनों पे जादू कर रखा है। बाजी बाजी बाजी, हद हो गई है। टाइम देख रही हो? अभी तक पता नहीं है। ए बीबी, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि जब दिल चाहा मुंह उठा के चल दी, जब दिल चाहा घर में आ गई। एक्सक्यूज मी, मेरे बाप का ये फटीचर घर हो भी नहीं सकता। मेरे बाप ने ना मुझे बहुत अच्छा फ्लैट दिया है, जो इस कबाड़ खाने से लाख दर्जे अच्छा है। अरे देखा तूने, देखा कैसे कैची की तरह ज़बान चल रही है इसकी? देखा तुमने, ये सुलूक करती है तुम्हारी माँ मेरे साथ? कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। तुम अपने कमरे में जाओ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज कुछ दिनों में मुझे यहाँ से निकालो, वरना मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। क्यों, क्या कर लेगी तू? अरे मेरा इकलौता बेटा है ये, कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। वो जाने दीजिए। देखा किस कदर बदतमीज औरत है। आप क्यों गुस्सा कर रही है, छोड़ देना, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं भी देखती हूँ कैसे लेके जाएगी मेरे बच्चे। कहीं नहीं जाएगा कोई भी, मैं कह रही हूँ ना। आप गुस्सा मत हो, खामोखा अपनी तबीयत खराब करेंगी। छोड़े ना अम्मी, रहने दें, क्यों उनके मुल्क की अपनी इज्जत गंवाती हैं। पानी लाऊं आपके लिए? बैठी रह तू, नहीं चाहिए पानी वाली। अच्छा ठीक है, ठीक है। हो गई तसल्ली तुम्हारी? निकाल दिया गुबार इतने दिनों का उस यतीम बच्ची पर? आखिर क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? शर्म करो शर्म शादिया बेगम। अरे कुछ खुदा खौफी है तुम्हारे अंदर या नहीं? आप खामोखा बात को क्यों बढ़ा रहे हैं? अरे ये मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। वो मेरी नजरों के सामने मेरे बेटे को वरगला रही है, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं? बकवास बंद करो, तुम खुद एक जवान बेटी की माँ हो, तुम्हें ये इल्जाम तराशी करना जेब नहीं देती। ये बोलो कि तुम्हें जहेज की हवस है? क्या हीरे जड़े हैं तुम में और तुम्हारे बेटे में? और क्या ये घर निताशा जैसी नेक बच्ची के काबिल है? बहुत अच्छा घराना होता है जहां निताशा जैसी लड़कियां बहू बनाकर लाई जाती हैं। तुम्हारे जैसे बदनसीब इस काबिल कहां, जिन्हें खून के रिश्तों का भी पास नहीं है। आप ज्यादा ना, बस इससे आगे एक लफ्ज ना सुनू। तुम्हारे जैसी फितरत की औरतें इस काबिल ही नहीं होती कि अपना घर बसा सकें। मैंने सिर्फ और सिर्फ बच्चों की खातिर तुमसे समझौता किया, लेकिन तुमने मेरी शराफत को बुद्दली समझा। तुम्हारी मनमानी के आगे कोई भी नहीं टिक सका, ना मैं ना मेरे बच्चे। लेकिन मेरी जिंदगी तो गुजर ही गई है, अब और तुम कितनी जिंदगियों से खेलोगी? मेरे बाप का ये फटीचर घर हो भी नहीं सकता। मेरे बाप ने ना मुझे बहुत अच्छा फ्लैट दिया है, जो इस कबाड़ खाने से लाख दर्जे अच्छा है।
देखा तुमने, ये सुलूक करती है तुम्हारी माँ मेरे साथ। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ। मेरी बात कान खोल के सुन लो, आज कुछ दिनों में मुझे यहाँ से निकालो, वरना मैं इन लोगों के साथ नहीं रह सकती। या मेरे परवरदिगार, ऐसी आजमाइश है ये, या मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। नताशा बेटा, जाग रही हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? लो दवा खा लो। वो आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत थी, मैं खुद ले रही थी। अरे बेटा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, जो सुख और आराम तुमने मुझे। कैसी बातें कर रही हैं आप पप्पू, भला मैंने क्या किया है आपके लिए? बेटा मैं बड़ी गफलत में थी, अब मैं सोचती हूँ कि मैं तुमसे कैसे नजरें मिलाऊं। जो भाई मुझे दिल से ज्यादा, जान से ज्यादा अजीज था, उसकी निशानी के साथ मैं। आप रो ही तो मत, क्यों रो रही हैं आप? अच्छा बेटा, मैं रात का खाना बना लूं। आप क्यों बनाएंगी खाना? सवेरा भाभी है ना? सवेरा घर पर नहीं है, और अगर घर पर होती भी है तो दिल जलाने के अलावा उसे आता ही क्या है। बहुत नाज है उसे अपने माँ बाप की दौलत पर, उसी का नशा है, अपनी मर्जी के मालिक है। क्या मजाल जो कोई उस महारानी को कुछ कह सके। तो मैं हूँ ना, मैं बस ठीक हो जाऊँ तो सारा घर फिर से संभाल लूंगी। आप रोए मत। मैं जानता हूँ पापा की बातों और मेरी जिद की वजह से आप बहुत दुखी। मैं आपको ऐसे अफसरदा नहीं देख सकता, ये भी हकीकत है कि नताशा मेरी मोहब्बत है। लेकिन आपकी मोहब्बत के आगे मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। आप जैसा चाहती हैं, जहाँ कहेंगी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच? जी माँ। अब चाय बनाए, मैं आता हूँ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं जैसा चाहूंगी वैसा करूंगी, अपनी पसंद की बहू लेकर आऊंगी। मालिक तेरा लाख लाख शुक्र। रजा बेटा, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो। जी बोले। तुम उससे बात करके तो देखो। मम्मी वो नहीं मानेगी, मैं आपको पहले ही ये बात बोल चुका हूँ। फिर ऐसे कैसे नहीं मानेगी, आखिर तुम्हारी बीवी है। आपको काफी ज्यादा खुशफहमी है सवेरा के बारे में। ये कहो ना
कि तुम अपनी बीवी से डरते हो। ये मुसीबत तो आपके अपने हाथ से ही लाई हुई है ना, और ये तो होना ही था। अच्छा ठीक है, फिर मैं बात करती हूँ, मैं देखती हूँ कि वो कैसे नहीं मानेगी। अगर आपको अपनी बेइज्जती करवाने का शौक है, ठीक है शौक से कर ले, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। तो अब तू ही बता मुझे कि मैं क्या करूं। अरे मेहरीन की तरफ देखती हूँ तो दिल परेशान हो जाता है कि वो बड़ी टेंशन में है इन दिनों में, अगर उसे कुछ हो गया खुदा ना खास्ता तो। देखें ये सब तो होना ही था, और वो कहते हैं ना कि इंसान जो बोता है वो काटता है। अगर आपको जरा सी भी मेरी खुशी के पास होती ना, तो नताशा इस घर की बहू होती और आप ऐश करती, आराम से रहती, सुकून में रहती। मैं जानती थी अली जो है ना मेरा बेटा है, मेरी बात ज़रूर मानेगा। पर मम्मा वो दिल से खुश नहीं है। तुम चुप करो, उसकी जब शादी होगी ना मेरे घर में, सर से इश्क का भूत खुद ही उतर जाएगा उसका, देख लेना तुम। अस्सलाम वालेकुम, आप सायरा है ना जी? आप कौन? वो आपकी बहू है ना, उनके पड़ोस में रहती हूँ मैं, उसकी बात पक्की होने पे आपकी मेरी मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा, याद है मुझे। अरे भाई वो दोनों माँ बेटी तो आपकी बहुत तारीफ करती हैं। हैरत की बात है भाई, मैंने भी अपने बेटे की बात पक्की कर दी है, और रोजीना ने ही रिश्ता लगवाया है, और माशाल्लाह बड़े अमीर कभी घर में हुआ है। खुशकिस्मत है आप कि आपको अच्छा घराना मिल गया। आप भी बहुत अच्छी लड़की लेके जा रही हैं, महरीन वाकई काबिले तारीफ है। वैसे शादी का इरादा कब है? इस बात का जवाब तो तुम्हें महरीन की अम्मी ही देंगी। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। भाई समझना और समझाना क्या, जो हमारी शरायतें जो हमारी डिमांड है वो पूरी कर दें, मैं कर दूंगी। वैसे आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या शर्तें हैं आपकी? सीधी सी बात है भाई, जमाने के साथ चलना पड़ता है भाई। उनकी बहू भी तो जहेज दे के आई है ना, उनका भी फर्ज बनता है वो बेटी को जहेज दें अपनी। और भाई लोग तो अपनी बेटी को बहाने बहाने से पता नहीं क्या कुछ दे देते हैं। वैसे ये कौन सी बड़ी बात है, अदीला की एक ही तो बेटी है, वो जो कुछ भी दें सब कम है। और वैसे रजा की बरी भी तो कितनी शानदार आई थी। बस रहने दीजिए, मैं भी इसी झांसे में आके गई थी, शान और शौकत बस नाम की है उनकी, कुछ नहीं है बेटी के नाम पे उनके पास। मैंने सुना है अब कि रजा कर्जे के लिए हाथ पांव मार रहा है, अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं तो अभी आई हूँ अपने बेटे के रिश्ते की बात करने। भाई मेरी बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, और मैं अपने बेटे का रिश्ता बहुत अच्छे घराने में करूँगी। क्या मतलब? ये बात तो पहले से सोचने की होती है, अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं पहले उसका तहफ़ करती। भाई आप अपनी बेटी का इंतज़ाम ना पहले से करके रखिएगा, अप टू डेट ज़माना है, ज़माने के साथ चलना पड़ता है। देखो बेटा कौन है दरवाजे पे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अदीला है? जी जी अंदर आए, अंदर आए। बोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आओ आओ शाजिया बैठो। कैसी हो, ठीक हो? हाँ तुम सुनाओ खैरियत, कैसे आना हुआ? आज मैं बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ। ज़रूरी बात? हाँ हाँ बोलो।
तुम माफ कर दो, मैंने ना हीरा पहचानने में बहुत देर कर दी। मैं तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है शाजिया, तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी। मैं किस तरह तुम्हारे से शुक्रिया का इजहार करूं? मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसमें शुक्रिया की क्या बात है अदिला, लालच की पट्टी तो मेरी आंखों में बंधी हुई थी जो मैं हीरे को पहचान नहीं सकी। अच्छा, अब महरीन, रजा बेटा जल्दी आओ, जाओ भाई को बुलाओ, कहना मिठाई लेकर आए। कहाँ है रजा? हाय रजा, जा बेटा जल्दी से मिठाई लेकर आ भाग के। मैं मिठाई लेकर आऊँ? हाँ, वो मीठा करूँगी मैं अपनी बहन। जरूर जरूर, और मैं भी अपनी बच्ची के हाथ में कुछ रखना चाहूँगी। हाँ हाँ, तो ये तुम्हारी अमानत है।